आहूजा जी, समय देने के लिए धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता, क्या यादें हैं वहाँ की। बचपन तो मेरी पैदाइश जो है वेस्ट पाकिस्तान की है, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ईसा खैल, जो कि लाहौर से 200-250 किलोमीटर है। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और 1943 में, और मैं पार्टीशन के टाइम में मैं 4.5 साल का था। और वहाँ पे जो हमारी एक बड़ी जॉइंट फैमिली थी, एंड मेरे दादाजी वज़ह सबसे बड़े थे अपने भाइयों में भी और उनके बच्चों में भी, एंड वी हैड 30 पीपल इन अ फैमिली। और एक ही घर के अंदर बीच में आंगन था, साइडों पे कमरे थे, सबके रसोई एक थी। और मेरे फादर ग्रैंडफादर जो एंट्रेंस के ऊपर एक ड्योढ़ी होती है ना, जब बोलते हैं जैसे बैठे कि जहाँ पे मिलते हैं लोग, हुक्का पीते हैं, बैठक तो वहाँ रहते थे मेरे ग्रैंडफादर। और ऊपर एक पंखा लगा हुआ था, एक आदमी उसको पंखा करता रहता था, कपड़े वाला जो ऊपर से छत पे होता। तो ये मेरी मेमोरीज हैं। और हम खेलते थे वहाँ पे छत के ऊपर, सिंगल फ्लोर था, और बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। तो जब हम वहाँ से चले पार्टीशन के टाइम में, मेरे ग्रैंडफादर के एक फ्रेंड थे, मोहम्मद मुस्लिम थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमें निकालने के लिए। और हमारी मदर को उस वक्त उनको टाइफाइड था। जो मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं वो रुक गए माँ के पास, और मेरे फादर, ग्रैंडफादर, मेरे चाचा, ताया, जितने भी थे, सबको उसने गाड़ी में बिठाया, एंड वी केम टू कुरुक्षेत्रा। कुरुक्षेत्रा में हम और कैंप, रिफ्यूजी कैंप में थे। और उसके बाद हम, तो ये 47 की बात है, 47 की बात है, यानी कि इंडिपेंडेंस से थोड़ा पहले। जी, और कुरुक्षेत्र में पहले सेटल हुए आप? हाँ, कुछ दिन के लिए। और वो हमारा जो था, मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ सब कुछ छोड़ के आ गए, कुछ नहीं उठाया, सिर्फ अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने लेडीज जितनी घर में थी उन सबको घर में सेफ्टी ले आए। और मेरे ग्रैंडफादर, मेरी माँ जो बीमार थी, बड़े बेटे ने उसके, वो जो मुस्लिम फ्रेंड थे मेरे दादाजी के, उन्होंने एयर का अरेंज कर दिया बाय एयर। अच्छा। उन्होंने उनको दिल्ली पहुँचाया। दिल्ली में हम फिर उनको फॉलो करके हम भी दिल्ली पहुँच गए, और हम रहे पुरानी दिल्ली में, कस्टोडियन के घर थे जो मोहम्मदन खाली कर गए थे, वो ऑक्यूपाइड किए थे हमने। हमें दो कमरे का था और उसमें हम रहते थे। तो वहाँ पे कितने साल रहे? वहाँ पे 1947 से लेके 59 तक रहे, 1959 दस साल करीब रहे, 1912 साल, 1959 में हम वहाँ रहे हम। और मेरे फादर ने प्लॉट लिया राणा प्रताप बाग, जो कि 2 किलोमीटर है वहाँ से, रोबिन सिनेमा है जो ओल्ड दिल्ली का घंटाघर, वहाँ पे हम रहते थे। और वहाँ से उन्होंने मकान बनाया, फिर हमारी फैमिली शिफ्ट कर गई। जो मेरे कस्टोडियन का मेरे फादर को मकान मिला था, जो हमारे नीचे कोई वो भी रिश्तेदार थे, उन्होंने, मेरे फादर ने उसको चाबी दे दी कि ये मकान तेरा है, पूरा मकान तुम रखो, मेरा मकान बन गया और तुम यहाँ आराम से रहो। ये बताइए कि आपके अंदर का जो आर्टिस्ट था, वो क्या अर्ली चाइल्डहुड में आपने कुछ काम वाम शुरू कर दिए, जैसे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं? जी, ये आपने किस उम्र में, आर्ट में दिलचस्पी कैसे हुई आपकी? मैं भी कॉलेज स्कूल जब आए तो दाखला हो गया, 5 साल की उम्र में दाखला करा दिया फादर ने उसी कॉरपोरेशन के स्कूल में। और वहीं पे थोड़ा सा स्लेट के ऊपर, चौक और स्लेट और तख्ती होती थी, तख्ती पर गाची लगा के, मिट्टी लगा के कलम से लिखना होता था। तो लिखने लिखने के अंदर मेरे को उसके अंदर कुछ दिखा, तो अल्फाबेट से हिंदी के जो कैलीग्राफिक, कैलीग्राफी में करता गया, और उसमें कोई डिज़ाइन फॉर्म बनती गई, और फिर मैं वो स्लेट पे बनाता था और घर पे आके फर्श के ऊपर, चौक से ऊपर बनाता रहता था। तो माई फादर वॉज कीन, मेरा देखा, उन्होंने करता रहता कुछ,
तो जब बड़े होने लगे तो स्कूल में आए तो मेरे बड़े भाई उसी स्कूल में थे, मैं बिरला स्कूल से हूँ कमलानगर में, तो मेरे बड़े ब्रदर सीनियर थे 4-5 साल और मैं 8वीं में था और वो 11वीं में थे। तो उन्होंने मेरे को, उनका जो ग्रुप था उनमें एक लड़का था वो बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाता था, तो एक घर पे आया, मेरे भाई के दोस्त आए, उसने अपना बैग निकाला, बैग में से कौंटी निकाली, चारकोल की स्टिक, सॉफ्ट स्टिक, स्केचबुक थी उसके पास और स्कूल आर्ट स्कूल का स्टूडेंट था वो, और उसने मेरे भाई का स्केच किया और वो स्केच जो था इतना अच्छा लगा मेरे को कि मेरे ब्रदर का रिजेम्बलेंस उसने 10 मिनट में बना के दे दिया। आई गॉट इंस्पायर्ड, दिस इज हाउ आई स्टार्ट वर्किंग।